बरेली में नगर निगम के पीछे दशकों पुराना पाकड़ का पेड़ देर रात तेज बारिश और आंधी के साथ भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि नगर निगम के पीछे वाले गेट के ठीक सामने दशकों पुराना पाकड़ का एक पेड़ था। स्थानीय दुकानदारों और लोगों के मुताबिक पेड़ के बारे में कई बार नगर निगम और वन विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन पेड़ को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर पेड़ को काट दिया जाता तो शायद पेड़ नहीं गिरता। अधिकारियों को इतनी बड़ी लापरवाही से बड़ा हादसा होते होते टल गया, लेकिन रात में पाकड़ का पेड़ गिरने के साथ ही बिजली के पोल भी गिर गए, जिसकी वजह से क्षेत्र में बिजली गुल हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही रास्ता भी पूरी तरह से जाम हो गया, जिसकी वजह से स्थानीय दुकानदारों को अपनी दुकानें खोलने में दिक्कतें बढ़ गई हैं। दुकानदारों ने इस बारे में सुबह ही जिम्मेदार अधिकारियों को सूचना दे दी है। रात को करीब 3 बजे गिरा है ये, और करीब 70-75 साल पुराना पेड़ था ये। अच्छा, क्या अचानक गिर गया था हवा पानी से या? अचानक गिर गया था, पहले कंप्लेन भी कर रखी थी, सब नगर निगम में भी दे रखा था, सब जगह कह रखा था, मगर कोई सुनवाई नहीं। वन विभाग में देती है। अच्छा, फिर क्या हुआ था इसको लेकर? तो ये काफ़ी दिनों से टेढ़ा हुआ पड़ा था, रात को करीब 3 बजे ये गिरा है पेड़। ये किसी अनहोनी तो नहीं हुई? ना कोई अनहोनी, अगर दिन में होता तो कई लोग लपेटे में आ जाते। इससे प्रशासन की लापरवाही मानता हूँ। और क्या हादसा ऐसा हुआ, आंधी आई रात में, फिर ये पेड़ गिरा है, पानी बरसा था। कितना पुराना पेड़ था ये? बहुत साल पुराना है। कोई अनहोनी तो नहीं हुई है? नहीं, अनहोनी कोई नहीं, दिन में अगर होता तो हो जाता। रात को मतलब ये कि जड़ कमजोर हो गई थी तो। अच्छा, कितना पुराना पेड़ होगा? करीब होगा मेरे ख्याल से 100 साल का, 105। कोई हादसा वगैरह तो नहीं हुआ था? अच्छा, लाइटिंग बता रहा है, लाइट ढप हो गई है जब से ये पेड़ गिरा है, ऐसा भी कुछ है? अब लाइट तो चार में हिलक के गिरी है, तो लाइट तो चली आ रही है, लेकिन हादसा कुछ नहीं हुआ।